अच्छा भाई, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, तुम लोग भी आराम कर लो, शाम को पार्टी है। बेटा एक मिनट रुको। मक्खन, मक्खन। जी दादी। वो सुबह मैंने तुम्हें एक पैकेट दिया था ना, वो ले आओ जल्दी से। जी। मक्खन जल्दी आ। लाओ मक्खन, वो पैकेट दो। क्या हो गया है आज तुझे? अरे ऐसे बुद्ध जैसे क्यों खड़ा है? क्या बात है मक्खन? कुछ प्रॉब्लम है मक्खन सिंह? कुछ कहना चाहते हो? नहीं नहीं, मुझे क्या कहना? कुछ नहीं कहना मुझे। तो फिर लाओ, दो वो पैकेट मुझे। अपने आप को संभालो, वरना पता है ना क्या हो सकता है। ये लो सरकार, हम सब की तरफ से एक छोटा सा तोहफा, और हम सब की ख्वाहिश है कि आज रात पार्टी में तुम यही कपड़े और गहने पहनो। लेकिन चाची, आप लोगों ने तो मेरे लिए इतना। बेटा इनकार मत कर, हम सब लोग ये चाहते हैं कि आज शाम रिसेप्शन में तुम ये कपड़े पहनो, और मैं चाहती हूँ कि ये कपड़े तुम्हें अंजलि दे। बेटा अंजलि ने इस घर का बहुत ख्याल रखा है, अब तुम्हें ये सब कुछ करना है। ले लो, इसे हमारा आशीर्वाद समझना। अब थोड़ा आराम कर लो। मैंने कपड़े और गहने तो दे दिए, पर इस घर की सत्ता नहीं दूंगी बड़ी अम्मा। ये आपकी गलतफहमी है, बस अब आप देखती जाइए अपनी आदर्श बहू का कमाल। चश्मा तो उतार लो, सुंदर आंखें क्यों छुपा के बैठी? अच्छा लो। नमस्कार, आइए, स्वागत है आपका। शुक्रिया, शुक्रिया। ये आपके लिए। इसकी क्या आवश्यकता थी? भार्गव जी, लड़की के बाप के कुछ फर्ज होते हैं, और फिर रिवाज तो रिवाज है ना। अब आप इतना कह रहे हैं तो अब मैं कैसे कहूँ। लीजिए सरगम बिटिया भी। बाबा वाले आ गए क्या? जरा भाई साहब, हम अभी आप मिलिए। मैं आप
कितनी सुंदर लग रही है मेरी परी, देखकर बहुत अच्छा लगा कि तू यहाँ इतनी खुश है। बेटी तू खुश तो है ना? हाँ बाबा, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ सब इतने अच्छे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। सबने मुझे इतना प्यार दिया, इतना अपनापन दिया, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। ओके, तो इसका मतलब हमारी गुड़िया बहुत जल्द हमें भूलने वाली है। ऐसे थोड़ी ना होता भैया। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? ऐसे कपड़े कुछ मैच नहीं कर रहे। लगता है भाई साहब को बुरा लग गया। बुरा मत मानिए, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। अब ऐसा है ना, भैया साहब का शहर में इतना स्टैंडर्ड नाम है, अब लोग कहेंगे कि आप उनके समधी साहब और ऐसे कपड़े पहन के पार्टी में आ गए, अच्छा नहीं लगता है ना? बहन जी, मेरी वजह से जो आपको कष्ट हुआ, जो असुविधा हुई, उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। मैं तो यहाँ अपनी बेटी से मिलने आया था, सो मिल चुका हूँ। और रही बात मेरे कपड़ों की, तो इन्हें पहन के मुझे किसी भी किस्म की शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही। और हाँ, आपकी सहूलियत के लिए मैं इस पार्टी से चला जाऊंगा। आओ बेटा। बाबा। कोई बात नहीं बेटी, हम लड़की वाले हैं ना, इतना तो सहना ही पड़ेगा। क्या सहना पड़ेगा? अपने अपनों को गालियां दें, ये सुनना पड़ेगा? मुझे क्षमा करना, यहां जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। रुक्मणी, ये किस हद तक पहुंच चुके हैं, और मेहमानों को बेइज्जत करने का हक किसने दिया तुम्हें? वो भैया साहब, आदमी की पहचान उसकी शख्सियत से होती है। रेशम के दो टुकड़े पहन लेने से आदमी बड़ा नहीं हो जाता। माफी मांगो इनसे। कोई बात नहीं भार्गव जी, रहने दीजिए। मैंने क्या कहा रुक्मणी, सुना नहीं तुमने? भैया साहब वो रुक्मणी, माफी चाहती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, आपने खामखा। ब्रजभूषण जी, आप लड़की वाले, आपका हमारे यहाँ विशेष सम्मान, सम्मानीय है आप हमारे। और हमारे दरवाजे पर अगर किसी खास या आम की बेइज्जती हो, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं। खैर, बेटी से तो मिल लिए आप, अब बाकी मेहमानों से मिलिए, आइए चले। भार्गव जी, आपसे एक अनुरोध है। हाँ जी, कहिए ना। मैं चाहता हूँ कि कल आप सरगम को मेरे घर पे। जरूर, आप उसे ले जा सकते हैं। और आप तो लड़की के पिता हैं, आपको पूछने की क्या आवश्यकता है? समझते कहीं अपने आप को, बुरी शान की कहीं समझते अपने आप को, कहीं के धन्ना सेठ है कहीं। अरे, इतनी बड़ी स्टैंडर्ड पार्टी में भिखमंगों जैसे कपड़े पहन के चले आए, और मैंने इतना सा बोल दिया तो कहीं गलत किया? जो भैया साहब ने भी के सामने मारा, इतना बड़ा अपमान किया कि जानते नहीं, मारा नाम रुक्मणी है, मारे से पंगा लेके कभी किसी का भला नहीं हुआ। सासू माँ, इस तरह से अकेले में बड़बड़ाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि जो कुछ भी करें, सोच समझ कर सावधानी से करें। इस तरह से तो आप मेरा सारा बना बनाया खेल बिगाड़ देंगे। और एक बात, सरगम को हराना इतना आसान नहीं है जितना कि आप सोच रही हैं। मैं अपना काम कर रही हूँ ना, मुझे अपना काम अपने तरीके से करने दीजिए। ठीक है बिंदी, चुप रहे।
मैं अपने अपमान का बदला तो लेके रहूंगी, अगर नहीं लिया तो मैं अपने बाप की असली औलाद नहीं। सासू माँ आप शांत हो जाइए, और अच्छा यही होगा आप अपने गुस्से पर काबू रखें। बढ़िया ही समझाने वाली, मैं अपने अपमान का बदला तो लेके रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं। बेटी हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही है। नमस्ते। नमस्ते जी। आप केवल सरगम के पिता नहीं हैं, मेरे भी पिता समान हैं। और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बेटी समझकर माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, एक छोटी सी बात थी, खत्म हो गई। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। बात छोटी नहीं थी, थी तो बहुत बड़ी, और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आप लोग प्लीज आइए ना, मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। प्लीज चलिए। यार कहाँ थे इतनी देर तक? जी। कमाल करते हो। अरे भाई क्या करते, थोड़ा काम था हॉस्पिटल में। वैसे भार्गव बहुत बहुत बधाई हो भाई। आपको भी मुबारक हो, आपकी बेटी का रिसेप्शन है। अच्छा वैसे भार्गव वो बड़े तकदीर वाले, जो सरगम जैसी तुम्हें बहू मिली है, देख लेना अपने अच्छे संस्कारों से ये भार्गव खानदान को और भी ज्यादा रोशन कर देगी। पता है ना तुम्हें क्या करना है? पता है। आ गई कुलच्छनी गड़बड़ फैलाने, क्या करूं भगवान, सिर्फ मुझे पता है कि इस कुटिल चाची का प्लान क्या है, और मैं ही कुछ कर सकता हूं जिससे सरगम जी किसी मुसीबत में ना फंस जाए। आप सभी मेहमानों का इस समारोह में स्वागत है। आप अपना आशीर्वाद चिरंजीव अमन और सरगम को दें, ताकि वो अपने आने वाली जिंदगी में खुश रहें, आनंद मनाएं, और आप ये जाम पीकर पार्टी का आनंद लें। अमन आओ बेटा। Yes to Aman and Sargam. Yay!
ब्लू साड़ी में बहुत अच्छी लग रही है। थैंक्स। देखो लोग कितने खुश हैं। एक बात कहूँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। इतना बड़ा जलसा तुम्हारे लिए, हाँ, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी नाचूं, झूमूं। साथ दोगी मेरा? देखो मना मत कर, हाँ? वेदांत, लेकिन तुम्हें पता है मैं नहीं डांस करती। अरे लेकिन क्या हुआ? आप लोग खड़े क्यों? नहीं कुछ नहीं मैम, मैं सरगम को मनाने की कोशिश कर रहा था। मनाने की? हाँ, डांस के लिए। अरे इसमें पूछने की क्या बात है, मौका ही ऐसा है। जाओ जाओ, गो एंड एंजॉय। कम सरगम। नहीं वेदांत प्लीज, तुम्हें पता मैं डांस नहीं करती। एक बार सरगम। नहीं वेदांत सॉरी। ओके तुम जाओ ना। नो इट्स ओके। अरे जाओ बाबा। ओके मैं जाता हूँ। वैसे मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या तुमने मेरे साथ डांस ही नहीं किया? ओहो चोकिंग। ओहो एक सेकंड इसको पकड़ो, मैं भी आता हूँ। हाँ सॉरी है। अरे अमन वो सरगम कहाँ है? मैं कब से उसे ढूंढ रही। अमन वो देखो सरगम, और उसके हाथों में शराब का ग्लास। भाई हमें नहीं पता था कि सरगम शराब भी पीती है। भैया साहब वो देखिए अपनी संस्कारी लाड़ी को कैसे लक्षण दिखा रही है।